लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसके लिए हम सब लोग यहाँ हैं, क्योंकि हमारे सामने डांस परफॉर्मेंस करने आने वाली है इंदौर की गलियों से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली हमारी, आपकी और इंडिया की फेवरेट, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार गुड्डन। अरे ये क्या, गुड्डन कहाँ चली गई? टाइम आया तो स्टार ही गायब, चल क्या रहा है? कहीं मेरी बातों की वजह से गुड्डन सासू माँ चली तो नहीं गई? बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम शरीफों का फिर क्या होगा? है शीशे के घर तुम्हारे, मारा पत्थर तो फिर क्या होगा? Congratulations, ma'am. बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी मैम। थैंक यू। मुझे तो बिल्कुल जस्ट लाइक यू बनना है। आप जैसे बातें करते हो, आप जैसे डांस करते हो और एक्टिंग, ओह माय गॉड। आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ प्लीज? जी श्योर। थैंक यू। आपकी इस रोमांटिक साइड के पीछे किसका हाथ है? आई मीन आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हाँ मैम, बताइए ना कौन है वो इंसान? आपने किसी से इतना टूट के प्यार किया है कि आपकी फिल्म की सीन में दिखता है। बताइए ना मैम, कौन है वो? इस तरह टूट के प्यार तो हमने सिर्फ एक ही इंसान से किया, और ऐसा टूटे हैं उनके प्यार में कि आज तक उससे ऊपर नहीं पाए। यार माय फुट, पागल हैं सबके सब। ये रोमांटिक पिक्चरें देख देख के कचरा भर गया इन सबके दिमाग में। ब्लडी फूल्स। प्लीज मैम बताइए ना मैम, बताइए ना मैम प्लीज। हमें जानना है। कमाल करते हैं आप लोग भी, इतनी लंबी कहानी इस तरह आप यहाँ पर सुनेंगे। किसी दिन आराम से पूरी कसर सुनाएंगे आपको। बाय द वे, आप लोग इतनी दूर तक आए, हमारी तारीफ में इतने प्यारे प्यारे शब्द कहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरी शराब देखकर अगर तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो अपनी आंखें बंद कर लो। क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? तकलीफ इस शराब से नहीं है, ये जो आपके साथ ऐसे बेताल की तरह चिपक कर आपकी हालत कर रही है ना, उस हालत से। ओह अच्छा। और जो जिंदल परिवार की हालत। हेलो 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 हेलो,
जिंदल परिवार की हालत की चिंता तुम्हें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि अब ये बातें करने की पोजीशन में नहीं हो तुम। अच्छा, पोजीशन तो खैर आपकी भी एक नहीं रहती। वाह। नहीं मतलब चाहे इसके नशे में ही सही, पर 19-20 इधर उधर चलता ही रहता आपका। ओ मैडम, नाचने का काम तुम्हारा है ना, तो अपने कदम भी संभाल कर तुम रखो। नहीं क्या पता ये 4 दिन की चांदनी देखकर ये टकमगा जाएं। So be careful, all right? सही बात है। तुम्हें क्या? आपकी लाइफ है, संभालिए। मेरी वही लाइफ जो तुमने बर्बाद कर दी। यार तुम्हारा परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है ना, पेमेंट पूरा जा चुका है, तो अब ये फ्री का नाटक क्यों कर रही हो मेरे सामने? क्या मिलेगा तुम्हें? और मुझे जो करना है ना मैं वही करूंगा, तुम्हारी सलाह एडवाइस इन सब की जरूरत नहीं है मुझे। सो प्लीज जस्ट काइंडली गेट लॉस्ट। और इसी बात पे चीयर्स। बड़ी बड़ी पार्टीज में तो ऐसे छोटी छोटी बॉटल्स टूटती रहती होंगी ना, मतलब अक्सर होता होगा ना आपके साथ। हुँ? अच्छा हम क्या कह रहे थे ना, मतलब ये तो गई, तो जब तक दूसरी का जुगाड़ नहीं हो जाता ना, हम आपके लिए नींबू पानी भिजवाते हैं। सॉरी अभी भिजवाते हैं। सॉरी वेल गुड इन द स्टार के होने से शाम को 4 चांद तो पहले ही लग गए थे, मगर उनकी सुपर हिट फिल्म तुमसे ना हो पाएगा के हीरो हमारे बीच में आ चुके हैं। तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर कुणाल कपूर। इतनी बड़ी फिल्म के हीरो हीरोइन हमारे बीच में हैं, तो उन्हीं के मूवी के एक गाने पर एक परफॉर्मेंस तो बनती है क्यों दोस्तों? Yes! इससे पहले की परफॉर्मेंस हो, मैं आप लोगों के साथ एक अंदर की खबर शेयर करना चाहता हूँ। इस गाने के साथ साथ इस फिल्म के कई आइकॉनिक सीन्स और 2 गाने गुड्डन गुप्ता ने खुद ही लिखे हैं। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा जमीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ ना मुमकिन है तेरा मेरा मिलना। के धूप से कभी अंधेरा जुड़ सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। गुड परफॉर्मेंस, शुरुआत तो बढ़िया की है, लेकिन भाई घर मेरा, दारू मेरी, ये पार्टी भी मेरी और डांस किसी और का, थोड़ी नाइंसाफी नहीं हो रही यहां? क्यों भाई? मेरा मतलब कि एक डांस तो मेरा और मेरी सुंदर पत्नी का भी बनता ही है। हमारा की माना कि अंतरा कोई हीरोइन नहीं है, लेकिन जस्ट लुक एट हर, किसी हीरोइन से कम भी तो नहीं है मेरी बीवी। So what do you say guys? हो जाए एक डांस मेरा और मेरी अंतरा का। अरे वाह, यहाँ तो कंपटीशन शुरू हो गया, अब आएगा ना मजा, सारा का सारा पैसा वसूल हो जाएगा। स्वीट हार्ट,
May I have a dance with you? दादी आप ठीक तो हैं? मुझे अपनी फिक्र नहीं है रेवती बेटा, अपने इन बच्चों की है। ये डांस तो किसी और के साथ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान इनका एक दूसरे में ही है। इनके बीच की ये दूरी देखते हुए भी मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे लल्ला और मेरी गुड्डन का मिलन जरूर होगा, क्योंकि बेटा ये बने ही एक दूजे के लिए है। शायद हम दोनों इस बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं है। सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आपके कहने पर हमने आपका अबॉर्शन कर दिया है गुड्डन जी। दरिया सा है तू, मैं हूं सहरा सा, फासला देगा। हम कभी प्रेग्नेंट थे ही नहीं, हमारा बच्चा कभी था ही नहीं। इस नाम को इतना बड़ा बनाएंगे कि इसे किसी भी सरनेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'm sorry. I'm really sorry. लगता है कि आप जैसी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के हाथों में हम जैसे छोटे मोटे आम लोगों के नाम की लकीर ही नहीं है। शायद इसीलिए मेरा ये हाथ फिसल गया और आप इतनी गिर गई। Sorry. कुछ मदद कर दूं आपकी उठने में? आराम से। सही कह रहे हैं, बहुत बार गिर गिर कर बहुत चोटें खाई हैं हमने, और उन चोटों पर है ना स्वाद अनुसार नहीं,
भर भर कर नमक डालकर स्ट्रॉन्ग बने हैं, इसलिए खुद को संभालने की आदत है हमें। थैंक यू। वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस थी। अरे देखिए ना, यहाँ तो सोने पे सुहागा हो गया। अब इससे पहले कि नाच गाने में संभालने संभालने में वक्त निकल जाए, चलिए केक कटिंग करते हैं। अरे एजी यहाँ आइए, अंतरा जी आप भी आइए, आप लोगों की एनिवर्सरी है। चलिए, अरे आइए ना एजे, आइए। काटो। हो गई ना सारी कमिटमेंट्स पूरी, चले जाने से पहले सबसे मिलके नहीं जाएंगी? किस्मत में लिखा होगा तो फिर से मिल लेंगे। चलते हैं, आजा आजा। ए हीरोइन, क्या हुआ? यू बिना मिले ही जा रही हो? ये एजे भी ना, इनकी चुल कम होती ही नहीं है, बस एक एक करके पिन मारते रहते हैं। भाई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो तुम, अपने कीमती वक्त से तुमने मुझ गरीब के लिए जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी सालगिरह है ना, केक खाए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सॉरी, वो मीठा हमें पसंद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस वगैरह बन गई हो तो तुम्हें लगता है ये मीठा खा के शायद तुम्हारी ये फिगर खराब हो जाएगी? आई इंसिस्ट, ये केक तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। आज मेरी सालगिरह है, ये केक खास इसीलिए तो आया है, और तुम भी खास इसीलिए तो यहाँ आई हो। सही कहा आपने, काम के लिए आए थे, हो गया तो जा रहे। बाय द वे, अच्छा लगा आपकी खुशी में शामिल होकर। अब आप लोग कैरी ऑन कीजिए, हम चलते हैं। अजी जाना तो एक दिन सबको है, पर ये केक खिलाए बिना आपको मैं जाने नहीं दूंगा। खा लीजिए ना, जहर नहीं भरा इसमें, शायद थोड़ी कड़वाहट कम हो जाएगी। प्लीज। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस। इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार ने आज मेरे हाथों से केक खाया। टुडे इज माय लकी डे, आई फील लाइक आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो क्यों ना अब इस यादगार पल को एक सेल्फी में कैप्चर कर लिया जाए। कहना कि आज के बाद फिर कभी हम दोनों, हो सकता है कभी ना मिले।
इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार और एक वक्त पे इंडिया के सबसे मशहूर शेफ अक्षत जिंदल की सेल्फी। गुट्टन और अक्षत कल भी दूर थे, आज भी दूर है, पर अब हमेशा सिर्फ तस्वीरों में ही एक दूसरे के करीब नजर आएंगे। कम ऑन। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।